जब हनुमान जी साधु रूप में खुद चले आए यहाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहू मुही हरऊ कलेस बिकार। कहते हैं कि भगवान अपने भक्त को किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी एक ऐसी ही सच्ची घटना घटित हुई जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर क्या हुआ ऐसा कि हनुमान मंदिर में एक अद्भुत और विशाल आकार का साधु तो आया लेकिन मंदिर से बाहर नहीं गया। क्यों लोगों को मंदिर के अंदर नहीं दिखाई दिया ये अद्भुत साधु? आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल से आने वाली जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। कहते हैं कि भक्ति तर्क की नहीं बल्कि मन और भाव की होती है। जो लोग सच्ची भक्ति करते हैं तो भगवान भी अपने भक्त को किसी न किसी रूप में दर्शन देने जरूर आते हैं। ऐसी ही सच्ची भक्ति देखने को मिली दिल्ली के हनुमान मंदिर में। दिल्ली में रहने वाले सुनील जी बताते हैं कि वे हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए वो हर मंगलवार को उनके दर्शन करने मंदिर में जरूर जाते हैं। कुछ समय पहले वो अपने दो साथियों के साथ हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर में आए थे। मंगलवार का दिन होने के कारण मंदिर में काफी भीड़ थी और भक्तों का तांता लगा हुआ था। सुनील और उसके साथी भी हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर में अंदर जा रहे थे। शाम के 7 बजे थे और वो दर्शन करने जैसे ही मंदिर के अंदर जाने वाले थे कि अचानक से उन्हें केसरिया रंग का वस्त्र धारण किए हुए एक लंबा चौड़ा साधु दिखाई दिया जो कि 6.5 फीट ऊंचा था। उनके बाल खुले हुए थे और उनके मुख पर अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। सुनील और उसके साथी अक्सर इस मंदिर में आते रहते थे लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी इतना अद्भुत साधु नहीं देखा था। वो साधु भीड़ में अलग से नजर आ रहे थे, इसलिए वे भी उस साधु से मिलने उनके पीछे पीछे चल दिए। साधु ने मंदिर में अंदर प्रवेश किया और फिर उस तरफ चल दिए जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी। देखते ही देखते वे साधु वहाँ से गायब हो गए। सुनील और उसके साथियों ने मंदिर के अंदर मौजूद श्रद्धालुओं से पूछा कि यहाँ पर एक लंबे चौड़े साधु थे, वे कहाँ गए? लेकिन मंदिर के अंदर मौजूद लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई साधु नहीं देखा है। ये देख सुनील हैरान हो गया। वो समझ गया था कि ये साधु कोई और नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी ही थे जिन्होंने अपने भक्त को साक्षात दर्शन दिए थे। जब ये बात सभी को पता चली तो मंदिर परिसर में जय श्री राम और जय बजरंग बली के जयकारे लगने लगे। इसके पश्चात सुनील और उनके दोनों साथियों ने हनुमान जी को प्रणाम कर उनका धन्यवाद किया। सुनील जी ने कहा कि वे हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर धन्य हो गए हैं, आज उनकी भक्ति का फल उन्हें मिल गया। दोस्तों, सुनील और उनके दोनों साथियों ने उस साधु रूपी हनुमान जी को साक्षात अपनी आँखों से देखा था। क्या आपको भी भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंग बली जरूर लिखें।